हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शरण कुमार, आप लोग देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ टेक। दोस्तों, अभी आप लोग को पता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा कुछ दिन पहले जो 5G ट्रायल्स की अनुमति थी वो सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को यहां पर दी गई थी। रिलायंस जियो और जो है एयरटेल ने यहां पर जो 5G ट्रायल्स थे वो अपने कर दिए थे, और अभी एयरटेल के द्वारा फिर से यहां पर जो है मानेसर के अंदर जो 5G की टेस्टिंग है वो यहां पर की गई थी, जहां पर काफ़ी अच्छी स्पीड वगैरह उनको देखने को मिली थी। लेकिन फाइनली अब वोडाफोन आइडिया ने भी अपनी 5G की जो टेस्टिंग है वो यहां पर कर दी है, जहां पर उन्हें बहुत ही अच्छी स्पीड मिली है। तो वोडाफोन आइडिया यूजर्स के लिए भी आज अच्छी न्यूज़ आ रही है कि अब वोडाफोन आइडिया ने अपने जो 5G ट्रायल्स है वो स्टार्ट कर दिए हैं। कितनी स्पीड इन्हें जो है यहाँ पर मिली, कौन सी सिटी के अंदर ये 5G ट्रायल्स स्टार्ट किए गए हैं, सारी जो न्यूज़ है दोस्तों वो आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको आप प्रेस कीजिए, और जो साइड में बेल आइकन आता है उस पर जो है आप क्लिक कीजिए, और बाद में आप जो है ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले इंडियन जुगाड़ टेक पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पर जो है एयरटेल और जो जियो है वो तो पहले ही अपने 5G ट्रायल्स जो है इंडिया के अंदर कर चुके हैं, लेकिन अभी वोडाफोन आइडिया ने अपने 5G ट्रायल्स यहाँ पर किया है। वोडाफोन आइडिया को अब यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है टाइम भी दे दिया गया 4 साल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जहाँ पर जो है 4 साल के लिए उन्हें जो है यहाँ पर जो AGR वगैरह ड्यूज थे उनमें सभी में छूट दे दी गई है। तो वोडाफोन आइडिया के लिए अब शायद अच्छा टाइम यहाँ पर आने वाला है, और अभी उन्होंने जो अपने 5G ट्रायल्स है वो स्टार्ट कर दिए हैं। जो गुजरात का गांधीनगर है वहाँ पर 5G ट्रायल किए गए, साथ में पुणे महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने 5G ट्रायल अपने जो है यहाँ पर किए हैं। और ये जो 5G ट्रायल किए गए हैं दोस्तों, ये लैब के अंदर किए गए हैं। अभी सभी कंपनियों के द्वारा जो ट्रायल्स किए जा रहे हैं वो लैब के अंदर ही किए जा रहे हैं, ये सिर्फ एक ही नेटवर्क के द्वारा जो है किए जा रहे हैं, जहाँ पर जो है मतलब एक दो लोग ही जो है वो डिवाइस जो है यूज़ करता है तो उसमें स्पीड अच्छी मिल जाती है। लेकिन एक्चुअल जिस तरह से 4G में अभी आपको स्पीड मिल रही है, 5G जब आएगी तो जिस तरह की स्पीड अभी ये बताते हैं कि भाई 3 GBPS के आसपास मिल रही है, 2 GBPS या 1 GBPS मिल रही है, तो भाई वो स्पीड तो एक्चुअल में आपको नहीं मिलेगी। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं कि यहाँ पर उन्होंने जो टेस्ट किए वोडाफोन आइडिया ने उनको कितनी स्पीड यहाँ पर मिली है। तो उन्होंने जो है दो टेक्नोलॉजीज यहाँ पर यूज़ की है। पहली जो टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की है वो mmWave वाली टेक्नोलॉजी यूज़ की है, और उसमें उन्होंने जो यहाँ पर 5G के ट्रायल्स किए वहाँ पर जो उन्हें स्पीड मिली है दोस्तों वो 3.7 GBPS की स्पीड मिली। जी हाँ दोस्तों, 3.7 GBPS की स्पीड मिली, यानी कि बहुत ही अच्छी स्पीड वोडाफोन आइडिया को यहाँ पर मिली है। इसके अलावा इन्होंने 3.5 GHz जो बैंड है वहाँ पर भी जो है अपना ट्रायल किया, वहाँ पर इन्हें जो स्पीड मिली है वो 1.5 GBPS की मिली है, यानी कि यहाँ पर भी इन्हें काफ़ी अच्छी स्पीड मिली है। तो भाई वोडाफोन आइडिया यूजर्स के लिए अच्छी न्यूज़ है कि वोडाफोन आइडिया भी अपने 5G ट्रायल्स कर रहा है, और नियर फ्यूचर में आपको वोडाफोन आइडिया की तरफ से भी 5G सर्विसेज यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ये जो सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स अभी टेस्ट कर रहे हैं ये सिर्फ लैब के अंदर टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन जब जो है एक्चुअल में 5G सर्विसेज आएगी, एक फुल्ली जो है टावर के द्वारा जो है काफ़ी ज़्यादा यूजर्स कनेक्ट होंगे, तो उस समय इनकी जो स्पीड अभी आपको मिल रही है जिस तरह से 4G में मैंने बताया कि बहुत ही कम स्पीड मिलती है, तो 5G में भी आप ऐसी उम्मीद मत कर लीजिए कि इंडिया के अंदर बहुत ही अच्छी स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी। तो सिर्फ कुछ चेंज होगा यहाँ पर, जो अभी 4G में स्पीड मिल रही है उससे जो है 3 गुना या 4 गुना स्पीड आपको मिल सकती है, इससे ज़्यादा उम्मीद मुझे तो यहाँ पर नहीं है कि इतना अच्छा नेटवर्क इंडिया के अंदर 5G को लेकर आपको मिलेगा। और स्टार्टिंग के अंदर तो मुझे ऐसा लगता है जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं वहीं पर जो 5G सर्विसेज है वो आपको देखने को मिलेगी। तो अच्छी न्यूज़ है, हाँ वोडाफोन आइडिया भी जो है अब यहाँ पर इन दोनों कंपनियों के साथ में जो है आ चुका है 5G को लेकर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।